पूज्य भाव जी, पूज्य संत जी, सभी सेवा कर्मचारी और आप सब शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। दीदी ने भजन में सब कुछ सुना दिया कि प्रकृति हमें क्या क्या देती है। हम प्रकृति के संतान हैं, हमारी कुंडली में कोई भी रोग नहीं लिखा है। ये गलत भोग का परिणाम रोग है। हमने जो भी गलत खाया उसी से हमें रोग आए। अगर हम प्रकृति की शरण में रहते और उसी का दिया हुआ खाते तो दर्द नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं होता। लेकिन हमने प्रकृति के विरुद्ध जाके बहुत कार्य किए हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के विरुद्ध जाता है। बाकी दुनिया में 84 लाख पशु और प्राणी है। हम देखते हैं कि 84 लाख योनि में किसी के अस्पताल नहीं है सिवाय के पालतू प्राणी, और हमारे तो मनुष्य के गली गली चौराहे पे अस्पताल खुले, कहीं जगह नहीं है। रोगों के नाम भी कैसे कैसे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, आज हम देखते हैं कि वो लोग कितने रोग लेके पैदा हो रहे हैं। क्यों? गलती किसकी? बच्चे में रोग आए तो गलती माँ और पिता की होती है। आजकल सबको चाहिए अभिमन्यु, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो ऐसा हर माता पिता चाहते हैं। लेकिन क्या वो माता कुंती की तरह, या फिर हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में जो कहा गया वैसा खुराक खाते नहीं, खाते हैं ब्रेड बर्गर पिज़्ज़ा और फिर अभिमन्यु चाहिए, कैसे आएगा? खान पान ही जब गलत है तो आपका आने वाला अंश, जो आपका वंश है, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। आहार का अध्यात्म जानना बहुत जरूरी है। जीवन में कदम कदम पे आपको आहार का अध्यात्म नजर आएगा। हर चीज अपने आहार से जुड़ी हुई है, चाहे भक्ति हो, शक्ति हो या कोई भी मनोकामना हो, लेकिन हर चीज आहार से जुड़ी हुई है। ये तप, सेवा और सुमिरन आधारित त्रिसूत्री साधना है। जब भी हम साधना करते हैं तब हमें ऐसे माहौल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर में साधना करना बहुत मुश्किल है। लंबे सेमिनार यानी स्वास्थ्य का खजाना पाने का एक अनमोल अवसर, और जब हम ये सेमिनार में आते हैं तब हम अपना सब कुछ भूल के इसमें समर्पित हो जाते हैं तो हमें परिणाम मिलता है। 100% समर्पित हुए तो परिणाम आपको बहुत फास्ट मिलेगा। लेकिन परिणाम मिलने के बाद ये जो शैली है, जीवन शैली, इसको आपको बदलना होगा। आज तक खाया पिया, मौज मस्ती की, और जो अपनी कुंडली में नहीं लिखे थे वो रोग को हमने आमंत्रण दे दिया, तो अब उस रोग को रिवर्स करने में, निकालने में ज़्यादा देर नहीं है। केवल चातुर्मास अगर आप संभल गए तो रोग का नाम चाहे कोई भी, 100% आप क्योर हो जाओगे।
हमारा धर्म, हमारा शास्त्र क्या कहता है। सब में चातुर्मास का महत्व है, कोई भी धर्म खोल दो। क्यों चातुर्मास का महत्व है? क्योंकि चातुर्मास यानी कि अपने बॉडी की साइकिल को ठीक होने में चातुर्मास लगते हैं। अगर कोई ऐसा रोग है जो निकलना मुश्किल है तो उसको 4 से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं। लेकिन आहार बदल दो, यानी कि जब आपने तप शुरू किया तो उसको नीचे आना ही होगा। हमारी बंदगी ऐसी होनी चाहिए कि खुद खुदा ही आके पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। जब हमारी तपश्चर्या हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो हम दिन में रसाहार और रात को एक टाइम भोजन इसलिए कच्चा देते हैं कि आप लोग अभी नए बिल्कुल खाना नहीं खिलाएंगे तो आप भाग जाएंगे, टिकोगे। लेकिन सच में जब भी किसी को रोग रिवर्स करना है उसमें उत्तम में उत्तम रसाहार है, उत्तम में उत्तम। क्योंकि रस को शरीर को पचाने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। जिसका भी रोग कठिन है वो बहुत ध्यान रखना कि इसके बाद का स्टेप रसाहार आएगा। पहले तो घर में जब शुरू करते हैं तब हम एक टाइम कच्चा और एक टाइम पक्का शुरू करवाते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कच्चे में भी कोई कोई आइटम हटा देते हैं जो दल वाली है, लिक्विड वाली लेते हैं। जैसे फ्रूट सैलड बनाएंगे नारियल के दूध में तो वो ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। रसाहार के बाद आता है एकाहार यानी ब्रह्मास्त्र। जब आपका रोग इस सिस्टम से हट जाता है तो हम नहीं कहेंगे कि आप रसाहार पे आओ, लेकिन जब आपका रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है तो फिर हमें क्या करना होगा, आगे का स्टेप। तब रसाहार और रसाहार से आगे है एकाहार, और एकाहार के बाद है निर्जल उपवास। सब कुछ छोड़ देना, कब तक नहीं जाएगा। निर्जल उपवास यानी एक निर्जल उपवास 100 एंटीबायोटिक का पाप है। कल एकादशी है, गर्मी बहुत है, लेकिन जो चाहते हैं वो निर्जल का एक अनुभव इधर कर सकते हैं। घर पे जाके मुमकिन नहीं है क्योंकि माहौल नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये भूमि की ओरा है, ये तपस्वी भूमि है, तो भूमि की ओरा हमारे साथ जब जुड़ जाती है तब हम उपवास लंबा खींच सकते हैं। हम सीधे पूरे दिन का उपवास नहीं कहते, जो 12 बजे लेते हैं वो 2 बजे ले, जो 2 बजे भी ना चाहे 4 बजे ले, जो 4 बजे भी ना चाहे शाम को 6:30 बजे ले ले। ऐसे आप अपनी तपश्चर्या को बढ़ा सकते हैं। उसमें खास किसको बढ़ाना होगा, सीवियर प्रॉब्लम वाले, हार्ट अटैक यानी कि सभी ब्लॉकेज है, कैंसर पेशेंट और जिसको ऐसी बीमारी है जो जाते जाने का नाम ही नहीं लेती है, वो लोग ये निर्जल का ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन हफ्ते में केवल 2 निर्जल कर लिए आपके रोग रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। जब भी रोग रिवर्स होते हैं तब तकलीफ जरूर होती है रमन, तब तकलीफ जरूर होती है, तो उस तकलीफ को झेलना यानी कि हमारे बॉडी में से जब भी रोग निकलते हैं तो थोड़ा दर्द होता है। जो आपका दर्द जहीं भी जहाँ पे भी है वो पहले बढ़ेगा,
फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होके बिल्कुल नाबूद हो जाएगा, चला जाएगा। दर्द बढ़ना यानी आपके अंदर जो जीव की शक्ति काम कर रही है वो आपके रोग को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि उसी को वो हिलाती है। जब भी हम कोई भी प्राणी हो तो जब तक हम उसे तंग ना करें वो हमें काटता नहीं है, लेकिन हम उसे जरा सा डंडा लगा दे तो कैसे भड़क उठता है। ठीक वैसे ही आपके रोग को अब आप दवाई नहीं दे रहे हो, कुछ अनाज या कुछ डाल नहीं रहे हो, तो वो भूख के मारे क्या करेगा, तड़प से ऐसे एकदम गुस्से में आ जाता है, मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो वो वहाँ पे दर्द करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खलबली मचाता है। निकलना नहीं है उसे, लेकिन हमें निकालना है, तब वो खलबली मचाता है, इसीलिए हमें दर्द होता है। तो दर्द से घबराने का नहीं, हर रोग का इलाज है, हर रोग का, सबका इलाज एक ही है, रास्ता एक ही है, वो है सुबह में उठ के लंगन। जिसको रोग है, जो निरोग है, उनके लिए हम ज़्यादा नहीं कहते हैं कि जब भी आपका शरीर मांगे दे दो, लेकिन मांगे नहीं तब तक ना दो। जैसे कि घड़ी में 8 बज गए और ब्रेकफास्ट करना है, गलत है। भले ऑफिस जाना है, साथ में जूस और फल दे दो, लेकिन पोहे पराठा ब्रेड बटर ये सब खाने के लिए मत बिठाओ, ये गलत है। जब सुबह का ब्रेकफास्ट गलत होता है तभी हमारा दिन ऊर्जामय नहीं होता है, इसीलिए सुबह का ब्रेकफास्ट यानी प्रभु प्रार्थना, क्योंकि वो आत्मा का खुराक है। प्रभु की प्रार्थना हमारे आत्मा का खुराक है, तो आत्मा का खुराक कब देना चाहिए, अमृत वेले में। लेकिन शरीर उठता ही कहाँ है, जागते ही कितने देर से है लोग, किसी में सोना और देर से जागना। सुबह उठो तो पता चले पक्षी कितने अच्छे से कलरव कर रहे हैं, सुबह का माहौल शांत प्रकृति, और उस टाइम जो ध्यान लगता है ना वो पूरे दिन में नहीं लगेगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी अमृत वेले में उसको पुकारना। शरीर उठेगा कैसे, आहार के बिना आध्यात्म फेल है। खा पी के आध्यात्म के रास्ते पे चलना कोई भी चल सकता, क्योंकि रोग आने ही वाले हैं। हम जो गलत भोजन लेते हैं क्या उससे आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, नहीं रहते, क्योंकि रोग तो आ चुका है। अब जब उसे निकालना है तो सर्वप्रथम हमें प्रयोग करना है लंघनम परम औषधम, यानी शाम का भोजन जो छोड़ते हैं उसके बाद 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका कैसा भी रोग है वो हटा देगा। लोग कहते हैं कि हमें तो शुगर है, हम तो भूखे नहीं रह सकते, डॉक्टर ने तो 2-2 घंटे में खाने को बोला है, इसीलिए शुगर नहीं जाता है। केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखो और फिर कैसे रोग भागता है देखो। जिसको सुबह में जल्दी लेना है वो शाम को जल्दी छोड़ दे, चौबीस भोजन कर ले, कौन मना करता है। आप अगर सुबह में 10 बजे लेना चाहते हैं तो शाम को आप 24 भोजन कर ले तो आप 10 बजे नहीं पाएंगे, 6 बजे खत्म,
सूरज ढलने से पहले ये यहाँ पे पट्टी लग जानी चाहिए, जितना खाना है खा लो 5 बजे बैठ के, एक आसना कर लो। लेकिन उसके बाद पानी पिया सो पिया बस, फिर आप मुंह सफाई करके स्नान करके आप फ्री हो। पहले तुरंत स्नान ना करो, सोने के टाइम करो। लेकिन सुबह में अगर 10 बजे आपको चाहिए तो शाम का भोजन जल्दी छोड़ना होगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत आपकी जब आप शाम का मील छोड़ते हो, पानी भी छोड़ते हो, उस टाइम से आपकी गिनती शुरू हो जाती है। तो उसमें रात का 6 घंटे का तो आराम आ जाता है, तो कितना अच्छा होता है, हमारा नींद में ही 6 घंटा कट जाता है। तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके अंदर आपकी ऑटोफैगी को एक्टिव करेगा, स्वयं पोषण की प्रक्रिया को वो जब एक्टिव करता है तब आपका रोग भाग जाता है। स्वयं पोषण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? हमारे बॉडी में 2 स्राव होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगन। ये 2 स्राव अपने बॉडी में, जैसे बच्चे गार्डन में सी सॉ खेलते हैं ना, आमने सामने बैठते हैं, एक बच्चा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, फिर सामने आते हैं, फिर ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे जाता है, सी सॉ खेलते हैं आमने सामने बैठ के। ठीक वैसे ही ये ग्लूकोगन और इंसुलिन सी सॉ खेलते हैं। जब आप यहाँ पे पानी डाल देते हो, यानी कि अब आपका इंसुलिन ऊपर आ जाएगा और ग्लूकोगन नीचे चला जाएगा। जब तक आप कुछ भी नहीं डालते हो तब ग्लूकोगन ऊपर आएगा और इंसुलिन नीचे, यानी शरीर बार बार मांगना छोड़ देगा। जब डालने की शुरुआत करो तो फिर देखना, आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में शरीर मांगेगा कि मैं कुछ ले लूं। तो हमें जब अपने बॉडी में ऑटोफैगी एक्टिव करनी है, यानी कि ग्लूकोगन को ऊपर लाना है, तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति एकदम बढ़ जाएगी और आपके रोग को वो हटा देगी। लेकिन अगर इंसुलिन यानी कि पानी हम जल्दी पी लेते हैं तो इंसुलिन ऊपर आ जाएगा, एक बार मुंह खोलने के बाद बार बार भूख लगेगी, तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबा नहीं हो पाएगा। 2 किस्म के होते हैं, एक जूस पे भी होता है और एक ऐसे बिल्कुल कुछ ना डाले वैसे भी होता है। लेकिन जिसका रोग खतरनाक है उसको खतरनाक उपवास करना है सुबह में, कि वो सुबह में पानी भी ना ले। फिर आपका रोग जब हट जाएगा फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे आपको डाइट फॉलो करना है। लेकिन फिलहाल सुबह का फास्टिंग अवश्य करें ताकि आपका रोग 1.5 महीने में चला जाए। फिर बाकी का जो हम चातुर्मास में समय बचता है उसमें हमारे खून की सफाई होती है, और जब खून की सफाई होती है, अगर खून से रोग चला गया तो फिर वो वापस, अब हम जब ये पूरा न्यू डाइट सिस्टम पे, नेचुरोपैथी पे चलते हैं तो हमारा रोग रिवर्स नहीं होता है। लेकिन फिर अगर आप बाद में वही खुराक पे चले गए तो खत्म, जो गया था ना वो दुगनी स्पीड से वापस आएगा, क्योंकि आपने बुलाया, आपने पुकारा और हम चले आए। ठीक वैसा रोगों का काम है। तो भोजन में गलती नहीं करने की, लेकिन फिर आएगा मध्यम मार्ग, यानी कि आप जब निरोग हो जाएंगे फिर एक वक्त आप घर में पकाया सब कुछ खा सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे, लेकिन संभल जाओ केवल चातुर्मास, ज्यादा नहीं। एक चातुर्मास अगर आप भगवान को समर्पित हो गए, ये साइलेंट कर लो,
हॉल में जब हम अपने जूते निकालते हैं और एंटर होते हैं, तो उसी टाइम फिर याद करके बैठ के पहले अपने मोबाइल साइलेंट कर ले, नहीं खाता है तो किसी को दे दे। तो जब हम ये तपश्चर्या में आगे बढ़े, फिर हम आपका रिवर्स सर्कल भी शुरू करवाएंगे, लेकिन पूरा बॉडी डिटॉक्स होने के बाद आपके जीवन में कभी दवाई आए ही नहीं। ऐसी भोजन शैली जब हम सीखते हैं, अगर हम घर में उसको ही अपनाते हैं, तो फिर घर में कोई दवाई आती ही नहीं। लेकिन घर का रिमोट कंट्रोल इस तरह है, ये तो केवल चलते हैं, आपसे चलते हैं, आप बोलते हैं चलो खाने बैठ जाओ तो ये आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शैली बदल देंगे तो ये भी बीमार नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे और हमारा परिवार भी बीमार नहीं होगा। तो आज के दिन हम जो हमारे मेहमान स्पेशल भोपाल से पधारे हुए हैं,